सत श्री अकाल, डॉक्टर संतोख सिंह चंडीगढ़ तो। आज दा टॉपिक तेरह चीज़ां अजमाओ बैली फैट भजाओ। बैली फैट दे पिछे लोग बहुत पे ने, ते अज दा टॉपिक यही रहेगा, आपां केड़ी केड़ी तेरह चीज़ां आपां अजमानियां ने, ते ए परखियां हुईयां ते सटीक इनफॉर्मेशन दे रहा तुहानू डॉक्टर संतोख फ्रॉम संतोख डाइट क्लीनिक चंडीगढ़ तो। ते आपां पहली गल करदे आं, मील्स दिन दे विच दो कर दो, पहली थाने दो कर दो, थोड़ी जी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर दो 12-12 घंटे की, ठीक है जी। स्नैकिंग नू आपां बंद करनी है, ते आपां मील्स दो करने ने। पहली पहली आइटम होएगी, पहली अजमान वाली चीज़ होएगी, मील्स आपां दो रखने हैं, ठीक है जी। ते दो मील्स दे विच आपां पूरी अपनी डाइट पूरी लैनी है टू दी फुलफिलमेंट, अपना पूरा पेट भर के असी खाना है, ते पेट भर के असी खाना है, खाली पेट नहीं रहना, ताकि बॉडी नू स्टार्विंग मोड दा एक्शन ना लेना पै जावे, फुल खाना है आपां। इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं दोबारा अगली टॉपिक बनावांगा वेट लॉस वास्ते, ते आपां टू फुल मील्स खाने हैं विद टोटल प्रोटीन कार्ब्स फैट। मैं चीज़ बना चुके हैं, पहले पहले वीडियो में देख लेना, पहले मैं लिंक भी पा दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बीच। नंबर टू पॉइंट है, चीनी जमा ही बंद कर दो, कोई चक्कर नहीं, हनी भी नहीं खाना, गुड़ भी नहीं खाना, बिल्कुल बंद करो। वेट लॉस वास्ते गल करें मैं तुम्हें, फिलहाल ही 2-3 महीने लिया वेट लॉस उसी करना है, अगर करना है फिलहाल 2-3 महीने टाइम ऐसा बनाओ कि तुसी सब कुछ मिट्टी चीज़ें दो बिल्कुल स्टॉप कर दो, सिर्फ 2-3 महीने लिए, बाचो खा लेना, गुड इज़ वेरी गुड, हमें पता है, ठीक है जी। ट्रोल ना करो मैनू, मैं जो समझा रहा हूँ समझो, कि जब वेट घटा दे मूड छो 2-3 महीने वास्ते तुसी ये चीज़ें बंद कर दो, ताकि कार्ब्स और शुगर ज़्यादा ना निकले बॉडी विच, इंसुलिन ना आवे, तो वो इंसुलिन स्टोर करती है फैट नू, बस समझो इंसुलिन मतलब है कि फैट नू स्टोर करना, ए समझो तुसी, एनर्जी नू छड्डो तुसी, एनर्जी तुहानू बहुत मिलती है, इंसुलिन मतलब आप फैट नू स्टोर करना, आपां कोई भी चीज़ मिठी नहीं खानी, इंसुलिन निकलेगी और फैट नू स्टोर करेगी। नंबर तीन चीज़ां, तीसरी जी चीज़ हैगी है अजमान वास्ते, वो हैगी आप 5-6 कप ना वैजीटेबल्स के खाने हैं, चाहे कच्चे चाहे पका के, 5-6 कप सब्जियां दे। हुण तुसीं 5-6 कप सब्जियां दा मतलब समझो तुसीं कि आपां 1-2 कप असीं कच्चियां खानियां है, किस तरह, जिस तरह अपनी बैल पाइपर हुंदा है लाल ते पीला, हरा भी खा लो बरीक बरीक कट के, ते उहदे विच आपां कुकुंबर पा सकते हैं, बीटरूट पा सकते हैं, चकुंदर पा सकते हैं, प्याज पा सकते हैं, होर जिहड़े वैजीटेबल आपां कच्चे खा सकते हैं, वो आपां 2 या 3 कप खा लिए, ते 2 कप जिहड़े रह गए ने उहनूं असीं पका के सौटे करके असीं इहनूं खा लिए। क्यों? इहदे विच वैजीटेबल दे विच जिहड़ा हैगा ये फाइबर मिलता है, ते ग्लूकोज लैवल ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हुंदा, इट्स ए गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम आलसो। तीजी चीज़ अजमान दी हैगी है 5-6 कप सब्जियां। चौथी चीज हैगी है गुड फैट खाना है, HDL वाला फैट खाना है, मगजा वाला, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ठीक है जी। ये चीज़ां आपां खानियां ने, ताकि जिहड़ा तुहानूं समझाया सीगा इहदे विच जिहड़ा गुड फैट हुंदा है इहदी डेंसिटी हाई हुंदी है छोटी हुंदी है, ते छोटी डेंसिटी वाली ज्यादा, हाई डेंसिटी वाली चीज छोटी हुंदी है, ये आपां खावांगे ते लो डेंसिटी वाली चीज जाएगी, साडा ब्लड कोलेस्ट्रोल लो रहेगा, सानू कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होएगा, असी हेल्दी लाइफ जीवांगे, असी लंबी जिंदगी व्यतीत करांगे। नंबर 5वां पॉइंट हैगा प्रोटीन दा सोर्स, मैं बार-बार बोलदा प्रोटीन दा सोर्स तो बिना ना थोड़ा गेन होना ना लॉस होना, गेन दी मैं गल करदा लीन वेट गेन दी गल करदा, मैं फैट गेन की गल नहीं कर रहा मैं, ते लॉस तां मैं कर रहा वो फैट की कर रहा, लॉस असी फैट का ही करना है, गेन असी लीन वेट करना है, ठीक है जी। अगर लीन वेट करना है तो भी प्रोटीन, अगर फैट लॉस करना है तो भी प्रोटीन, प्रोटीन तो बिना कोई हल ही नहीं है, प्रोटीन तो बिना कोई चक्कर ही नहीं है, तुसी तुहाडी जिंदगी कुछ नहीं हैगी, ठीक है जी। तुसी मतलब बहुत ज़्यादा इहदे विच तुसी प्रोटीन तो बिना मोटे होंदे रहिंदे हो, ते प्रोटीन आपां प्रॉपर सोर्स तो खाना है, किस किस सोर्स तो मिलता है, वैज नॉन वैज डिस्क्रिप्शन बॉक्स सानूं एक निक मिल जाएगा मेरा। ते छेवीं चीज़ हैगी है आपां हुण देखो 2 महीने लिए आपां जब वेट लॉस करना है स्नैक्स नहीं खाने इस महीने दे विच, 2 मील्स बोलिया है, 12 घंटे की फास्टिंग होएगी, 8 तो 8 खा लो, ठीक है जी। विचकार कुछ नहीं, विचकार पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, जूस नहीं पीना, नींबू पानी पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, दही दुई कुछ भी नहीं, नो कुछ भी नहीं, पानी सिंपल पानी, नींबू पानी या नारियल पानी या डिटॉक्स वाटर, कोई अपनी सूप नहीं, वेजिटेबल सूप नहीं, डिटॉक्स वाटर, पानी वाली चीज़, तरल पदार्थ आप खाने हैं,
ठीक है जी। तो अपनी जरा हूँ यह हो गया सतवीं चीज हैगी है, है सतवीं चीज जी हैगी है कोकोनट। कोकोनट आपां क्यों खाना है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट कोकोनट आपां पानी भी पी सकते हैं, कोकोनट आपां ऑयल भी पी सकते हैं। असी अपनी डाइट दे विच 15 तो 20 ml कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन या कोल्ड प्रेस ऑयल कोकोनट ऑयल ऐड कर लो, ठीक है। उदे विच शुगर दे 6 कार्बन हुंदे ने, उदे मिलदे जुलदे C8 दे C10 ते C12 जिहड़ा ऑयल हैगा ओह मिलदा है, बॉडी फ्यूज हो जांदी है कि C6 शुगर है C8 तेल है। देखो दो एटम जुड़े कार्बन दे जिहड़े कि समझदे हैं ओह तेल बन गया, ठीक है। ते आपां कोकोनट ऑयल नूं ऐड करना है ताकि बॉडी लर होवे, बॉडी ललचावे शुगर तो अलावा फैट नू खावे। जब उपरा फैट खाएगी ना, जब तो खाओगे तुसी थोड़ा फैट भी खाएगी, बैली फैट भी खाएगी। बैली फैट जिन्ने कटाना है कोकोनट ऑयल खाना पड़ेगा, उस तो बिना नहीं कटेगा, ठीक है जी। कोकोनट ऑयल तुसी कितना लाना है स्टार्टिंग भी तुम दस रहे हैं, 20 ml शुरू कर दो स्टार्टर्स वास्ते। बाकी अगे प्रोफेशनल डाइट हैगी है, तुहानू बाद च समझा दांगा। ते अठवां पॉइंट की हैगा, असी पोटाशियम, हुण मैं गल करांगा थोड़े जे विटामिनस दी गल करांगा ते मिनरल्स दी, जिहड़े बैली फैट कटांदे हैं। सब तो तगड़ा विटामिन जरा बैली फैट कटाता है वह हैगा विटामिन B3 निकोटिनामाइड नायासिन, ठीक है जी। ये सप्लीमेंट शॉप्स तो मिल जाता है, अगर नैचुरल तुसी खाना है वो नेट सर्च कर लो, वीडियो लंबी हो जाएगी मेरी। जरा निकोटिनामाइड हैगा ये असी ये की करता है कोलेस्ट्रोल नू लो करता है, बैली फैट दे धुएं डाल दिंदा है। B12 अपना B3 निकोटिनामाइड, ज्यादा डोज नहीं लैनी, ज्यादा डोज नहीं लैनी, मूह लाल हो जाएगा थोड़ा, ज्यादा डोज नहीं लैनी, ध्यान रख। ये डोज देनी हैगी है वो 3-4 मैक्सिमम 3-4 मिलीग्राम पर डे हैगी है। जिन्होंने वेट लॉस करना है टेंपरेरी बेस ली, डॉक्टर की सलाह लैके वो 15-20 या 50 mg तक लै सकते हैं, सप्लीमेंट शॉप से अलग तो मिलती हैगी है ये चीज़। तो ये राइडर हैगा डॉक्टर की सलाह लैके। उस तो बाद विटामिन आता है जरा वो हैगा जी B12। B12 की करता है, ये मैटाबोलिज्म बूस्ट करता है, BMR नू वधांदा है। BMR होंगी है बेसल मैटाबोलिक रेट, बैठे बैठे तुसी कितनी कैलरीज बर्न कर रहे हो, तुहाड़ी अग जिहड़ी शरीर की लगी हुई है वह बुझी तो नहीं। ताही तुहानू मैं कह रहा कि रोटी दो टाइम खानी है तो ढिड भर के खानी है, तुहाड़ी बॉडी नू इहना लगे रोटी घट खा रहा, वह दो टाइम खा रहा है वह खुश है, इदां खांदा है। दो टाइम रोटी खा लो, जिन्नी कैलरी थोड़ी हैगी है वो दो टाइम के डिवाइड कर लो, 12-12 घंटे में खानी है, 12 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी थोड़े नाल इंटरमीडिएट की। ये अपने जोड़े है ये जरा अपने अजमान वाली चीज़ा है। उस तो बाद चीज़ आती हैगी है वह है क्रोमियम। क्रोमियम की करता है, क्रोमियम जोड़ा है ना ये प्रोटीन नू प्रोपर स्टोरेज होने काम करता है, ये BMR नू वधांदा है, ये बैठे बैठे कैलरी लॉस करता है, बैठे बैठे कैलरी लॉस हो रही है, BMR हाई होएगी, तो ठीक है। BMR की होंगी है थोड़े शरीर की वह अग जी थोड़ी कैलरी लॉस कर रही है, ठीक है जी। तो एपीटाइट नू घटांदा है क्रोमियम। तो ये जो क्रोमियम हैगा ये बहुत अच्छा अपना जोड़ा हैगा ये मैटल हैगा जो कि अपना फैट लॉस बैली फैट लॉस करता है। तो उस बाद आता है लास्ट के आता है ये वो पोटाशियम हैगा, ठीक है जी। दसवें नंबर से जो पोटाशियम हैगा ना, पोटाशियम की करता है ये मसल बिल्डिंग दे विच काम करता है, ये मसल दे विच ये जड़ा मसल हुंदा है जड़ा मसल जड़ी अपनी ज़्यादा एनर्जी नू कैलरीज नू बर्न करता है, फैट कैलरीज नू बर्न नहीं करता, मसल बर्न करता है बैठे बैठे। तो ये जड़ा मसल हैगा अगर ये बॉडी विच पानी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये बॉडी जी हैगी है BMR लो हो जाती है, तो मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है, तो बैली फैट आना शुरू हो जाता है। तो आप पोटाशियम रिच चीज़ा खानिया, पोटाशियम सप्लीमेंट नहीं खाने, पोटाशियम रिच चीज़ा खानिया ने। यह मिलता ने साढ़े तो वैजीटेबल्स तो मिलता है, कोकोनट वाटर तो मिलता है, केला अद्धा खाना है वेट लॉस करना है तो केला की वीडियो बाद चो बनावांगा। अद्धा केला खाओगे रोज़ का वेट लॉस होएगा, 4 केले खाओगे दुछ पा के वेट गेन होएगा, मेरी एक पंगा है चीजा जमाओ भाई, ये साइंस ये फूड खाना सौखा नहीं है, अपनी बॉडी दे लाओ ध्यान रखो थोड़ा जहा, इस ते PhD करो बॉडी दे उत्ते, ठीक है जी। पोटाशियम जगह खत्म होगी, हुण आपां 11वीं गल करते हैं। 11वीं चीज़ हैगी है चंगा सोना। सोना भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, ताकि बॉडी अपने रेस्टिंग मोड च आके थोड़े पूरी बॉडी स्कैन कर दी है कि कितने कितने थोड़ा लोड हैगी है, किस किस मिनरल दी विटामिन्स दी बॉडी पूरी स्कैन कर दी है। तो सोंदे हुए सोमाट्रोपिन हॉर्मोन निकलता है रात को 12 to 3, चेक कर लो नेट के उत्ते सोमाट्रोपिन,
ठीक है जी। सोमाट्रोपिन इसे ग्रोथ हार्मोन, इसे फैट बर्निंग हार्मोन, एक कुदरत वालों सानू फ्री चीज मिली हुई है जो साढ़े शरीर के अग ला के रखती है फैट नू, ऐसी ऐसी फेर के रखती है। ठीक है जी, ये सोमाट्रोपिन तां मिलेगा अगर तुसीं प्रॉपर 12 to 3 सोवोगे, रात नू ना पढ़ो सवेरे पढ़ो, बच्चे मैं गल करदा खासकर रात को पढ़ोगे इतने अखा अगे काला काला निशान पै जाएगा सर्कल, डॉक्टर को जाओगे मेरा ब्लैक हो गया, मेरे क्या बोलते हैं अंडर आइज ब्लैक हो गई हैं, डॉक्टर ने दवाइयाँ लैन ला देनी है, उन्होंने ये नहीं पता कि ये भाई आपकी सुनता नहीं है, सोमाट्रोपिन निकल नहीं रहा, ग्रोथ हार्मोन आ नहीं रहा, बच्चे की एजिंग पहले ही शुरू हो गई है, देखो कितना वड्डी गल हैगी है। तो पुराने बुजुर्ग कहते ना सवेरे उठ के पढ़ना रात नहीं पढ़ना, तो वह मकसद यह होंगे। बारहवीं चीज़ जी हैगी है वह हैगा एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर की आप क्यों फैट बैली फैट लॉस में काम करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स हैगा जिद सा फैटी लीवर का तोड़ है, लीवर का जो फैट हैगा उन्होंने बर्न कर हैल्प करता है, किस तरह करता है वीडियो में दोबारा बनावगा। बाकी जो एप्पल साइडर विनेगर हैगा ये साढ़े बैक्टीरिया जोड़े है इंटस्टाइन के लॉन्ग जी लंबी इंटस्टाइन के बड़िया अंतों के बैक्टीरिया है उन्होंने सड़न के हैल्प करता है, ये मिनरल्स के विटामिनस एबजॉर्ब कर हैल्प करता है, इस करके एप्पल साइडर विनेगर नूं भी तुसीं अजमाओ। ते लास्ट चीज़ हैगी है 13वीं, वाओ वाओ नहीं वाओ नहीं वाओ एक्सरसाइज एक्सरसाइज करो भाई, एरोबिक वाली ऑक्सीजन यूज करो, वेट ट्रेनिंग अलग चीज होंगी है, एनरोबिक होंगी है, एरोबिक अपा करनी है, ऑक्सीजन बर्न करना है, बीएमआर बधानी है, शरीर च अग लानी है, एक्सरसाइज करे बिना खाना ते वाना, मेरा टेक्निकल जो चीज़ें मैं हमेशा बोलता है, तो आप वाना भी है तो एक्सरसाइज आप लानी भी हैगी, एक्सरसाइज करनी भी हैगी है, वो सारा सोमाट्रोपिन फिर निकलेगा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋਮਾਟ੍ਰੋਪਿਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਜਮਾਓ ਅਤੇ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਘਟਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੋੜ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਲੋਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਲੋਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵੇਟ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਗਾ ਲਓ ਇੰਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਈ ਫੈਟ ਜਾਂ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗੀ ਮੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, 3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 3 ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਟੋਪਿਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।